बड़े मकानों, बड़ी दुकानों, लंबी चौड़ी सड़कों, एक से एक बढ़ के कारखानों और रोजगारियों की बहुतायत ही के सबब से नहीं, बल्कि अंग्रेजों की कृपा से सैर तमाशे का घर बने रहने और समुद्र का पड़ोसी होने तथा जहाजी तिजारत की बदौलत आला दर्जे की तरक्की पाते रहने के कारण इस समय कलकत्ता शहर जितना मशहूर और लक्ष्मी के कृपा पात्रों का घर हो रहा है, उतना बम्बई के सिवा और कोई दूसरा शहर नहीं। साथ ही इसके इस शहर में जैसे अमीरों और बड़ी बड़ी सड़कों और मकानों की भरमार है, उसी तरह मजदूरी पेशे वाले, दीन लाचार तथा और तरह से औकात गुजारी करने वाले गरीबों और उनके रहने वाले छोटे छोटे तंग, गंदे और पुराने मकानों तथा उसी ढप की गंदी गलियों की भी कमी नहीं है। अस्तु, इस समय हम कलकत्ते की खूबी और खराबी का बयान करने के लिए तैयार नहीं है जो यहाँ का खुलासा हाल लिखकर पाठकों का अमूल्य समय नष्ट करें, बल्कि वहाँ के एक छोटे से फैक्ट को लिखकर पाठकों को एक अनूठा रहस्य दिखाना चाहते हैं। कलकत्ते की एक तंग, अंधेरी और गंदी गली के अंदर पुराने और छोटे से मकान की नीचे वाली कोठरी में एक औरत को फटे पुराने आसन पर बैठे हुए परमात्मा के ध्यान में निमग्न देख रहे हैं। इस मकान में यद्यपि इसी की तरह और भी कई गरीब किराएदार रहते हैं और उनकी बातचीत तथा आपस में झगड़े तकरार के कारण इस समय मकान में कोलाहल सा हो रहा है, मगर उस औरत का चित्त किसी तरह हिलता हुआ दिखाई नहीं देता और वह आंखें बंद किए माला जपती अपने ध्यान में लगी हुई है और उस कोठरी का दरवाजा अध खुलासा दिखाई दे रहा है। जब हम उसके सामान की तरफ ध्यान देते हैं तब उस औरत की गरीबी और लाचारी का अंदाजा सहज ही में मिल जाता है। एक कोने में फटे पुराने कपड़े की छोटी अधखुली सी गठरी, दूसरे कोने में पानी की एक ठिलिया और उसके पास ही छोटा सा पीतल का गिलास पड़ा है। ऊपर की तरफ एक किल्ली के सहारे काली पेंदी की हांडी टिकी हुई है, जिससे मालूम होता था कि यही हांडी नित्य चूल्हे पर चढ़ा करती है। पानी वाले घड़े के दाहिनी तरफ चूल्हा और उसके सहारे छोटी छोटी दो रिकाबियां रखी है, वे भी साबुत नहीं है। बाई तरफ जहाँ औरत बैठी है, मिट्टी का छोटा सा चौकूठा चबूतरा बना है, जिस पर तुलसी जी का एक पेड़ है, जिसके सामने वह औरत बैठी हुई इस कंगाली की अवस्था में भी बेफिक्री के साथ उपासना कर रही है और उसके पास ही एक चक्की भी गड़ी हुई है। इतना होने पर भी उस कोठरी में किसी तरह की गंदगी या मैलापन नहीं है। गोबर से लीप कर तमाम जमीन साफ और सुथरी बनाई हुई है। स्त्री का जब पूरा हुआ और वह तुलसी जी को प्रणाम कर हाथ की माला रखा ही चाहती थी कि कोठरी का दरवाजा खुला और एक 8 या 9 वर्ष का बालक अंदर आता हुआ दिखाई दिया। बालक, माँ तू पूजा कर चुकी? स्त्री, हाँ बेटा कर चुकी। बालक, बाहर हरी खड़ा है, कहता है पाठशाला में जाने का समय हो गया, मुझे भूख लगी है, बिना खाए मैं पाठशाला में कैसे जाऊं? स्त्री, लंबी सांस लेकर और माला रखकर, बेटा आज तो कुछ खाने को नहीं है, मैं 2-3 जगह गई थी, कहीं से गेहूं भी नहीं मिला जो पीस कर दे आती और मजूरी के 2 पैसे लेकर तेरे खाने का इंतजाम करती। नवीन की माँ ने गेहूं देने के लिए 10 बजे बुलाया था, सो अब मैं जाती हूँ। बालक, तो मैं पाठशाला में न जाऊंगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तू तो दिन रात पूजा ही किया करती है, खाने को तो लाती नहीं। स्त्री, बेटा क्या करूं? तेरे ही लिए तो दिन रात पूजा किया करती हूँ, ठाकुर जी से तेरे खाने के लिए मांगती हूँ। बालक, क्या तेरे मांगने से ठाकुर जी खाने को दे देंगे? स्त्री, क्यों न देंगे, तमाम दुनिया को देते हैं, तो क्या मुझी को न देंगे? बालक, तो देते क्यों नहीं, मुझे बता ठाकुर जी कहाँ हैं, मैं भी उनसे मांगू। स्त्री, डबड़बाई आँखों से, ठाकुर जी बड़ी दूर रहते हैं, इसी से मेरी आवाज अभी तक उन्होंने नहीं सुनी। बालक, तो दूसरों की आवाज कैसे सुनते हैं जिन्हें खाने को देते हैं? स्त्री, कुछ सोचकर, रोज रोज के पुकारने से सुनी लेते हैं और जब सुन लेते हैं तो सब कुछ देते हैं। बालक, हलवा, जलेबी, लड्डू, पेड़ा सब कुछ देते हैं? स्त्री, हाँ बेटा, सब कुछ देते हैं। इतना कहकर स्त्री ने पूजा समाप्त की और लड़के को गोद में लेकर आंचल से उसका मुंह पोंछने लगी और लड़के ने पुनः उससे पूछना शुरू किया।
बालक, हाँ माँ, तो तू ठाकुर जी का ठिकाना तो बता दे। स्त्री, बेटा, ठाकुर जी बैकुंठ में रहते हैं, वह सब राजों के राजा हैं, उनका ठिकाना क्या? बालक, बैकुंठ कैसा है? स्त्री, बैकुंठ बड़ा भारी मकान है, चारों तरफ हीरा पन्ना जवाहरात जड़े हैं, वहाँ बड़ा आनंद रहता है। बालक, हमिल्टन कंपनी की दुकान से भी ज्यादा सजा हुआ है, वहाँ मैं नवीन भैया के साथ गया था, खूब देखा, मगर चपरासी ने भीतर जाने नहीं दिया, कान पकड़ के निकाल दिया। स्त्री, बेटा, मैं क्या जानू हमिल्टन कौन है और उसकी दुकान कहाँ है, पर ठाकुर जी के बराबर दुनिया में किसी का मकान न होगा। बालक, ठाकुर जी का नाम ठाकुर जी ही है या कोई और भी है? जैसे मेरा नाम गोपाल भी है, लल्लो भी है। स्त्री, हाँ बेटा, तुम्हारे तो दो ही नाम है, मगर उनके हजारों नाम हैं। बालक, सबसे बड़ा नाम उनका कौन है? स्त्री, लक्ष्मीनाथ। अच्छा बेटा, अब तू जरा यहाँ बैठ, मैं नवीन की माँ के पास से जाके पीसने के लिए गेहूँ ले आऊँ, तब तेरे खाने पीने का भी बंदोबस्त करूँ। आज तू पाठशाले मत जा, कल जायो। बालक, अच्छा माँ, तू जा, मैं यहाँ बैठा बैठा लिखूंगा पढ़ूंगा, मगर मुझे पानी पिलाती जा, कुछ तो पेट भर जाएगा। स्त्री की आंखें अच्छी तरह डबडबा आई, मगर उसने जल्दी से आंखें पोंछ डाली, जिससे गोपाल को मालूम न हो, और पानी पिलाकर घर के बाहर निकल गरी। संध्या होने में अभी 2 घंटे की देर है। कलकत्ते के बाजारों की रौनक पल पल में बढ़ती जाती है, और बाजारों को छोड़कर हम अपने पाठकों को उस बाजार में ले चलते हैं, जिसकी दोनों मंजिलें सैरतमाशे के शौकीनों के दिल में ठंडक देने और मनचलों की झुकी हुई गर्दने ऊपर की तरफ उठा देने वाली हैं। इसी बाजार में हम एक दोहरे टपवाली लैंडो फिटिन, जिसके आगे बैलों की जोड़ी जुती हुई है, धीरे धीरे जाते देखते हैं। इस गाड़ी में एक अधेड़ उम्र का रईस बैठा हुआ है, और उसके सामने की तरफ 2 आदमी जो उसके आश्रित होंगे भी बैठे कभी कभी कुछ बातें करते जाते हैं। रईस की निगाह दोनों तरफ की दुकानों और कोटों पर पड़कर उसके दिल में तरह तरह के भाव पैदा करते जाते थे। अकस्मात उस रईस की निगाह एक बालक के ऊपर जा पड़ी, जो सड़क के किनारे पर रखे हुए एक लेटर बक्स के अंदर चीठी डालने का उद्योग कर रहा था, मगर उसके मुंह तक हाथ न जाने के कारण वह बहुत ही दुखी होकर तरह तरह की तरकीबें कर रहा था। धीरे धीरे यह फिटिन भी उसके पास तक जा पहुंची, और उस लड़के की सूरत शक्ल तथा इस समय की अवस्था पर रईस को बड़ी दया आई। उसने समझा कि यह गरीब लड़का, जिसके बदन पर साबुत कपड़ा तक नहीं है, शायद किसी दुकानदार का शागिर्द या नौकर है, और उसी ने इस बेचारे को इसकी सामर्थ्य से बाहर काम करने की आज्ञा दी है, और यह बेचारा डर के मारे अपना काम पूरा किए बिना यहाँ से टलना नहीं चाहता। रईस ने अपने एक मुसाहब को, जो उसके सामने की तरफ बैठा हुआ था, गाड़ी से नीचे उतरकर उस लड़के की कठिनाई को दूर करने का इशारा किया। गाड़ी खड़ी की गई और वह मुसाहब नीचे उतरकर लड़के के पास गया, बोला, ला तेरी चीठी मैं इस बम्बे में डाल दूं। इसके जवाब में लड़के ने सलाम करके चीठी उसके हाथ में दे दी। मुसाहब की निगाह जब लिफाफे पर पड़ी तो चौंक पड़ा, और वह लिफाफा रईस के पास नाम दिखाने के लिए ले आया। लड़के को यह बात कुछ बुरी मालूम हुई, क्योंकि उसे अपनी चीठी के छिन जाने का भय हुआ, इसलिए वह भी उस मुसाहब के पीछे पीछे गाड़ी के पास तक चला आया, और रोनी सूरत से उस रईस के मुंह की तरफ देखने लगा। उसकी इस अवस्था पर रईस का दिल और भी हिल गया। उसने लिफाफे पर एक नजर डालने के बाद उस लड़के से कहा, डरो मत, हम तुम्हारी चिट्ठी ले न लेंगे, इस पर पता ठीक ठीक नहीं लिखा है, इसी से यह आदमी मुझे दिखाने के लिए ले आया है, कहो तो मैं इस पर अंग्रेजी में पता लिख दूं, जिसमें चिट्ठी जल्द ठाकुर जी के पास पहुंच जाए। लड़के ने खुश होकर कहा, हाँ लिख दीजिए। उस चिट्ठी पर यह लिखा हुआ था, श्री ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ के पास चीठी पहुँचे, स्थान बैकुंठ। रईस ने अंग्रेजी में उस पर यह लिख दिया, प्रताप नारायण हैरिसन रोड, कलकत्ता।
लड़का अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए वह इस बात को कुछ समझ न सका। इसके बाद रईस ने उस लड़के से, जो बातचीत करने में बहुत तेज और ढीठ भी था, पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ पर है? लड़का हाथ का इशारा करके, उस तरफ, बड़ी दूर है। रईस प्यार से उसका हाथ पकड़ के, आओ हमारी गाड़ी पर बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा देंगे। लड़का गाड़ी पर सवार हो गया। रईस ने उसे अपने बगल में बैठा लिया। गाड़ी पुनः धीरे धीरे रवाना हुई और रईस तथा उस लड़के में यूं बातचीत होने लगी। रईस, यह चिट्ठी तुमने अपने हाथ से लिखी है? लड़का, हाँ। रईस, किसके कहने से लिखी है? लड़का, अपनी खुशी से। रईस, तुमने कैसे जाना कि ठाकुर जी किसी का नाम है? लड़का, मेरी माँ रोज उनकी पूजा किया करती है, उसी से मैंने सब कुछ पूछा था। रईस, तुम्हारी माँ ने तुम्हें धोखा दिया? लड़का, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती, सब कोई कहते हैं कि लल्लो की माँ झूठ नहीं बोलती। रईस, तो क्या यह चिट्ठी तुमने अपनी माँ से छिपा के लिखी है? लड़का, हाँ, रोनी सूरत से, अगर मेरी माँ सुनेगी तो मुझे मारेगी। रईस लड़के की पीठ पर हाथ फेर के, नहीं नहीं, तुम डरो मत, हम तुम्हारी माँ से यह हाल न कहेंगे, हमारा कोई आदमी भी ऐसा न करेगा। अच्छा, यह तो बताओ कि चिट्ठी में तुमने क्या लिखा है? इसका जवाब लड़के ने कुछ भी न दिया। रईस ने 2-3 दफे यही बात पूछी मगर कुछ जवाब न पाया। आखिर यह सोचकर चुप हो रहा कि आखिर वह चिट्ठी मेरे यहाँ पहुँचेगी क्योंकि मैंने उस पर अपना पता लिख दिया है, अस्तु जो कुछ उसमें होगा मालूम हो जाएगा। इतने ही में लड़का चौंक पड़ा और गद्दी पर से कुछ उठकर बोला, वह मेरी गली आ गई, मुझे उतार दो। रईस की आज्ञानुसार गाड़ी खड़ी की गई और वह लड़का उतरकर अपने उसी मकान में चला गया जिसका परिचय हम पहले बयान में दे आए हैं। मगर रईस का इशारा पाकर उसका एक आदमी लड़के के पीछे पीछे गया और उसका मकान अच्छी तरह देखभाल आया। इसके बाद गाड़ी वहां से रवाना होकर तेजी के साथ एक तरफ को चली गई। हमारे परिचित रईस महाराज कुमार प्रताप नारायण की अवस्था आज कुछ निराले ही ढंग की हो रही है। वह ऊंचे दर्जे का अमीर और जमींदार था। वह हर तरह की खुशी का सामान अपने चारों तरफ देखता था और बिना औलाद के रहकर भी वह दिन रात अपने को प्रसन्न रखता था। मगर आज मालूम होता है कि उसकी तमाम बनावटी खुशियों का खून हो गया है और उसके अंदर किसी सच्ची खुशी का दरिया जोश मार रहा है, जिसके सबब से उसकी बड़ी बड़ी आंखें प्रेम के आंसुओं का सोता बहा रही हैं। गोपाल लड़के के हाथ की लिखी हुई कल वाली चिट्ठी जिस पर उसने अपना पता लिखकर डाक के बम्बे में छुड़वा दिया था, उसके हाथ में थी और वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ उसे बार बार पढ़कर भी अपने दिल को संतोष नहीं दे सकता था। उस चिट्ठी का यह मजमून था, श्री ठाकुर जी महाराज, लक्ष्मीनाथ, मैंने अपनी माँ से सुना है कि तमाम दुनिया को तुम खाने के लिए देते हो, जो कोई जो कुछ मांगता है तुम वही देते हो, तुम्हारे भंडार में सब कुछ भरा रहता है तो फिर मुझे क्यों नहीं देते? दयानिधान, आज मैं दिन भर का भूखा हूँ, मेरी माँ ना मालूम के दिन की भूखी है, मेरे घर का रोज ही यही हाल रहता है, कब तक मैं लिखा करूँगा? कृपा कर मेरे लिए 2 सेर लड्डू का बंदोबस्त कर दीजिए जिससे मैं, मेरी माँ और मेरे साथ खेलने वाले लड़के भी रोज खा लिया करें, मैंने आज तक कभी नहीं खाया, मैं उसका स्वाद नहीं जानता। पुनः पढ़कर उसने अपने कलेजे पर हाथ रखा और लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, व्यर्थ ही इतने दिन भूल भुलिए में घूमते हुए नष्ट किए, हाँ, एक दिन भी ऐसा सरल विश्वास भगवान पर न हुआ, आज मालूम हुआ कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। हे ईश्वर, तू धन्य है, निःसंदेह तुझ पर जो भरोसा और विश्वास रखता है उसी का बेड़ा पार है। अच्छा पतित पावन, अब मैं भी तेरे दरवाजे की खाक छानूंगा और देखूंगा कि तेरी लंबी भुजा के सहारे मुझ अधर्म का क्यों कर उद्धार होता है। इतने ही में कमरे का दरवाजा खुला और विपिन विहारी बाबू वकील हाईकोर्ट की सूरत दिखाई दी, जो बड़े ही नेक,
भोले भाले तबीयत के आदमी थे और जिन्हें महाराज कुमार प्रताप नारायण ने एक वसीयतनामा लिखने के लिए बुलाया था। आओ देखें तो सही, इस समय हमारा गोपाल कहाँ है और क्या कर रहा है। देखो वह अपनी माँ के पास बैठा हुआ मीठी मीठी बातें कर रहा है। वह डरता डरता कह रहा है, माँ मैंने ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी है, वह आज जरूर पहुँच गई होगी। तू कहती थी कि वह पल भर में तमाम दुनिया की खबर ले लेते हैं, अगर ऐसा है तो बस अब थोड़ी ही देर में मेरे पास भी लड्डू की हांडी पहुंचा चाहती है। आज तू मेरे खाने की फिक्र न कर, इत्यादि। और उसकी माँ अपनी आंखों से आंसुओं की धारा बहा रही है। इतने ही में दरवाजे के बाहर से किसी ने गोपाल कहकर पुकारा, जिसे सुनकर गोपाल दौड़ता हुआ घर के बाहर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद जब लौटकर अपनी माँ के पास आया तो उसके एक हाथ में लड्डू से भरी हुई एक हांडी थी और दूसरे हाथ में एक चिट्ठी। गोपाल ने खुशी खुशी अपनी माँ से कहा, देख माँ, मैं कहता था ना कि ठाकुर जी का आदमी लड्डू लेकर आता होगा। देख कैसा बढ़िया लड्डू है, आहा। एक चिट्ठी भी ठाकुर जी ने भेजी है, देख यह चिट्ठी है। गोपाल की बात सुनकर उसकी माँ भौचकसी हो गई और वह तज्जुब भरी निगाहों से गोपाल का मुंह देखने लगी। दिल के अंदर से उठे हुए जोश ने उसका गला भर दिया था और वह कुछ बोल नहीं सकती थी। जब गोपाल ने चिट्ठी उसके हाथ में दी तब वह खोल कर पढ़ने लगी, जिसका मतलब यह था, ठाकुर जी ने दो सेर लड्डू रोज तुम्हारे पास भेजने की आज्ञा दी है, सो आज से बराबर तुम्हारे पास पहुँचा करेगा। ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ प्रबंध किया है, जिसका हाल कुछ दिन बाद मालूम होगा। गोपाल की माँ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह तज्जुब भरी निगाहों से कभी गोपाल का मुंह देखती और कभी लड्डू तथा चीठी की तरफ ध्यान देती। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था कि यह क्या हुआ और क्यों कर हुआ। मगर गोपाल को इन सब सोच विचारों से क्या संबंध था। वह उसी समय थोड़ा सा लड्डू लेकर घर के बाहर निकल गया और अपने हमजोली तथा साथ खेलने वाले लड़कों को खुशी से बांटकर घर चला आया। इसके बाद खुद भी लड्डू खाए और अपनी माँ को भी जिद करके खिलाया। 15 दिन तक नित्य एक आदमी आकर गोपाल के घर पर लड्डू दे जाया करता और उसकी माँ तरह तरह के सोच विचारों में अपना समय बिताया करती। इसके बाद 16वें दिन जब महाराज कुमार प्रताप नारायण की चिट्ठी एक वसीयतनामे के साथ सरकारी वकील की मार्फत उसके पास पहुंची, तब उसे मालूम हुआ कि गोपाल के सच्चे प्रेम, विश्वास और भोलेपन ने उसकी हुर्मत और औकात तथा जिंदगी के ढंग का कैसा काया पलट कर डाला है और उसके घर पर लड्डू पहुंचाने वाले महाराज कुमार प्रताप नारायण के दिल पर उसका कितना बड़ा असर पड़ा कि उसने अपनी तमाम जायदाद का मालिक गोपाल को बनाकर इसलिए ब्रज यात्रा की कि उसी भक्त वत्सल पतित पावन बैकुंठनाथ के प्रेम में अपना जीवन समाप्त करके सच्चे सुख का लाभ करे। स्रोत पुस्तक हिंदी कहानी का पहला दशक, पृष्ठ 61, संपादक भवदेव पांडे, रचनाकार माधव प्रसाद मिश्र, प्रकाशन रेमाधव पब्लिकेशन।